हेलो डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी यूनिटी मतलब एकता और स्ट्रेंथ मतलब ताकत, एकता में ताकत। इसका मतलब ये है कि जहाँ सब मिलकर काम करते हैं जिस ग्रुप में एकता रहती है उसी में ताकत रहती है। इसमें एक स्टोरी दी गई है फार्मर की। एक फार्मर है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड इन ए फार्मर इन ए विलेज। विलेज में एक फार्मर रहता है और उसके चार बेटे हैं, लेकिन चारों बेटे कैसे हैं, बहुत ही लेज़ी और दे डिड नॉट वॉन्ट टू डू एनी वर्क, कोई काम नहीं करना चाहते हैं। बस उनका पूरा टाइम किस में जाता है, या तो गॉसिप करते रहेंगे या लड़ते रहेंगे। तो फार्मर बहुत चिंतित था। द फार्मर वॉज वेरी वरीड। उसने निश्चित किया कि इन चारों बेटों को मैं एक लेसन सिखाऊं, उनको इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी के बारे में बताऊं। डिसाइडेड टू टीच देम द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी। तो उसने क्या किया, वन डे उसने चारों को अपने पास बुलाया, चारों लड़कों को, अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया, और उसमें से जो सबसे छोटा बेटा था उसको बोला, एक बंडल ऑफ स्टिक उसको दिया और बोला कि इसको तोड़ो। यंगेस्ट सन एंड सेड, डियर सन प्लीज़ ब्रेक दिस बंडल। उसने उसको बोला कि आप इसको बंडल को तोड़ो। छोटे बेटे ने अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई, ही अप्लाइड ऑल हिज स्ट्रेंथ टू ब्रेक द बंडल। उसने पूरी स्ट्रेंथ लगाई बंडल को ब्रेक करने में, बट ही फेल्ड। पर वो फेल हो गया, वो नहीं तोड़ पाया। फिर फार्मर ने अपने दूसरे बेटे को वो बंडल दिया और उससे बोला कि आप इस बंडल को तोड़ो। वो भी फेल हो गया, उसने भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाई बट वो भी फेल हो गया और उस वो बंडल को नहीं तोड़ पाया। इसी तरह फार्मर ने अपने तीसरे और चौथे बेटे को भी बंडल दिया बट उनमें से भी कोई बंडल को तोड़ नहीं पाया। उन सब ने ये कहा कि हम नहीं तोड़ पा रहे हैं। फिर फार्मर ने क्या कहा, अपने बड़े बेटे से कहा कि इस बंडल को ओपन करो, अनटाइट करो, और उसमें से एक एक स्टिक आप निकालो और तोड़ो। उसके बड़े बेटे ने वैसा ही किया और एक एक स्टिक अलग अलग करके तोड़ी तो वो इजीली टूट गई। फिर फार्मर ने उनको समझाया कि जहाँ यूनिटी रहती है यानी सब मिलके रहते हैं तो काम इजी हो जाता है, उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन अगर तुम चारों मिलके नहीं रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो तुम्हें इजीली कोई भी तोड़ सकता है। लाइक दैट, अगर मैं एक स्टिक को तोड़ना चाहूँ तो मैं इजीली तोड़ दूँगी, ये देखिए टूट गई। बट अगर मैं एक साथ 8-10 स्टिक लूँगी, पूरा बंडल लूँगी और मैं उसको तोड़ना चाहूँगी तो वो नहीं टूटेगी। इसका मतलब ये है कि यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। मैजिक किस में होता है, यूनिटी में। यूनिटी इज़ वेरी पावरफुल। यूनिटी बहुत पावरफुल होती है, एकता बहुत ताकतवर होती है, उसमें बहुत ताकत होती है। हम एकता से मिलकर बहुत सारे काम एक साथ मिलकर कर सकते हैं, फिर हमें कोई नहीं हरा सकता। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। आई होप आपको यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ मतलब एकता में ताकत है समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।